हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए न्यू जॉब का अपडेट लेकर आ गए हैं और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं होंडा कंपनी के रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे होंडा की तरफ से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकाला गया है, नए नए पदों पर जॉब निकाला गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा कि यहाँ पे होंडा कार कंपनी में किस किस पोस्ट पर जॉब निकाला गया है, जॉब का ऑफिशियल प्रोफाइल आपको यहाँ पे कैसे निकालना है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया और कैसे आपको आवेदन करना पड़ेगा, यानी कि जो लोग एलिजिबल हैं यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं, कैसे फॉर्म भरना होगा, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, पूरी जानकारी दोस्तों आपको इसी एक वीडियो में मिलेगा। एंड आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं होंडा कंपनी में बहुत सारी यहां पे भर्ती आ गई है। यहां पर आप देख सकते हैं होंडा कंपनी में बहुत कर्मचारी चाहिए, लोगों की जरूरत है। यहां पर आप देख सकते हैं काम 8 घंटे होगा, काम शिफ्टिंग के हिसाब से होगा। महिला पुरुष सभी अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट बहुत अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के बारे में बात करें तो सैलरी यहां पर 35,000 मिल सकता है, यह एक एक्सपेक्टेड सैलरी है। सैलरी कम ज्यादा भी मिल सकता है और आपको यहां पर आवेदन करना सिखाया जाएगा। सबसे अच्छी बात यहां पर यह है कि आपको यहां पर आवेदन करना सिखाया जाएगा, यानी कि जो कैंडिडेट यहां पर इंटरेस्टेड आवेदन करना चाहते हैं वो लोगों को यहाँ पे होंडा कंपनी में, होंडा कार कंपनी में कैसे अप्लाई करना है, कैसे ऑफिशियल जॉब प्रोफाइल निकालना है, वो लोगों को यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो क्या करना है दोस्तों, बस वीडियो पे बने रहना है, वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट किए आपको जॉब के बारे में अपडेट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी दे दूं, काफी लोग क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप करके देखते हैं, भगा भगा के देखते हैं। तो वीडियो को कहीं पर स्किप नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में आप सारी जानकारी सीखोगे, समझोगे कि कैसे आपको होंडा कार कंपनी का जॉब का डिटेल निकालना है, कैसे अप्लाई करना है। तो इसी बात वीडियो को लाइक भी कर देना है। अब आपको करना क्या है, होंडा कंपनी का जॉब का डिटेल निकालने के लिए सिंपल सा काम है। सबसे पहला स्टेप आपको यह उठाना है कि आपको अपने फोन में कोई भी ऐसा ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना है पिक्सल टेक जॉब, PIXEL पिक्सल TECH टेक JOB इतना टाइप करना है। जैसे आप यहां पे पिक्सल टेक जॉब सर्च करेंगे तो यहां पे टॉप पे वेबसाइट आ जाएगा। पिक्सल टेक जॉब डोमेन नेम भी देख सकते हैं, pixeltech12.blogspot.com, इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे, जहां पे आपको मल्टीपल जॉब्स के अपडेट मिलेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं 28 अप्रैल को यहां पे होंडा कंपनी के रिक्रूटमेंट के बारे में आर्टिकल अपडेट किया गया है। सो आप लोग इस आर्टिकल पे क्लिक कर सकते हो और अगर आपको ये आर्टिकल यहां पे नहीं देखने को मिलेगा तो आप लोग यहां पे सर्च बॉक्स में जैसे ही होंडा कंपनी जॉब रिक्रूटमेंट सर्च करेंगे तो यहां पे आर्टिकल आ जाएगा, फटाफट यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक आर्टिकल ओपन हो जाएगा, इस आर्टिकल में आपको रिक्रूटमेंट के बारे में सारा जानकारी मिल जाएगा, जैसे कि किस किस पोस्ट पर जॉब है, वर्क एक्सपीरियंस क्या मांगेगा, यहां पे लोकेशन क्या होगा और क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, अप्लाई कर लिंक, क्वालिफिकेशंस का डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट्स और साथ साथ में अप्लाई का लिंक वगैरह भी मिल जाएगा। तो आपको ये आर्टिकल पढ़ लेना है। जैसे कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो होंडा कंपनी में जॉब रिक्रूटमेंट आ गया है, अप्लाई यहां पे ऑनलाइन होगा फॉर मल्टीपल वैकेंसीज। यहां पर आप देख सकते हैं कंपनी नेम होने वाला है होंडा मोटर कंपनी, यहां पर लिमिटेड कंपनी होगा और टोटल वैकेंसीज 6 है, यानी कि यहां पर टोटल जो ओपनिंग है 6 पदों पर 6 पदों पर यहां पर भर्ती निकाला गया है, अलग अलग पोस्ट पर, अलग अलग लोकेशन पे। और यहां पर देख सकते हैं करंट ओपनिंग में, यानी कि किस किस पद पर जॉब है यहां पर दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं एसोसिएट मैनेजर का जॉब है, लोकेशन ग्रेटर नोएडा होने वाला है, एक्सपीरियंस 1 से 2 ईयर का है और बीटेक मैकेनिकल यहाँ पे क्वालिफिकेशंस मांगा गया है। सेकंड पोजीशन है यहाँ पे डिप्टी मैनेजर, ये भी ग्रेटर नोएडा लोकेशंस का जॉब है, 6 से 9 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। MBA बीटेक यहाँ पे क्वालिफिकेशंस मांगा गया है। बाकी यहाँ पे बिजनेसेस मैनेजमेंट में भी डिप्टी मैनेजर का जॉब है, ये भी सेम लोकेशंस का जॉब है, यहाँ पे CA क्वालिफिकेशंस मांगा गया, ये जॉब है। ऐसे करके आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग यहाँ पे जॉब निकाला गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं हर एक पोस्ट पे अलग अलग क्वालिफिकेशंस, अलग अलग यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पढ़ लो। बाकी एप्लीकेशन मोड यहाँ पे ऑनलाइन है, यानी कि आपको किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना है। कैसे करना है आवेदन, कैसे फॉर्म भरना है, आगे आपको डेमो के लिए सिखाया जाएगा। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे इंडियन कैंडिडेट मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं और एज 18+ रखा गया। देखो यार, किसी भी कंपनी किसी भी सेक्टर में जॉब करने के लिए एज कम से कम 18+ मांगा जाता है। तो आपको अधिक जानकारी के लिए जॉब का ऑफिशियल प्रोफाइल वेरीफाई करना है, जिस पे आपको आवेदन करना होगा। बाकी बात करें दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन यहाँ पे कंपनी के रूल के हिसाब से होगा, जो भी होगा इंटरव्यू राउंड्स जो भी होगा GD होगा वो कंपनी के रूल के हिसाब से होगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे दिया नहीं गया है, सो आपको फटाफट अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, कैसे ऑफिशियल जॉब प्रोफाइल निकालना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम यह है आपको यह आर्टिकल अच्छे से पढ़ लेना है। आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे मिलेगा अप्लाई का लिंक, आपको अप्लाई के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे अप्लाई के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे एक न्यू पेज पे, जैसा कि आप देख
देख सकते हैं, यह है दोस्तों होंडा कंपनी का जॉब का पेज। अगर आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट ओपनिंग देखने को मिलेगा, यानी कि जो अभी के दौरान यहाँ पे रिक्रूटमेंट आया है होंडा कंपनी में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ में यहाँ पे आपको लेटेस्ट ओपनिंग देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं असिस्टेंट डिप्टी मैनेजर का जॉब है, रिसर्च डेवलपमेंट में जॉब देखने को मिलेगा, एसोसिएट मैनेजर का जॉब है, डिप्टी मैनेजर का जॉब है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में भी जॉब देखने को आपको मिलेगा। सो अब यहाँ पे कैसे जॉब प्रोफाइल निकाल के कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो अप्लाई करने में। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि हमें किस पोस्ट पे अप्लाई करना है, किस पोजीशन का डिटेल देखना है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे डिप्टी मैनेजर का जॉब, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पोस्ट पे हमें अप्लाई करना है, इस पोस्ट का हमें डिटेल निकालना है। सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जॉब का प्रोफाइल आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट ओपनिंग्स में यहाँ पे आईटी डिप्टी मैनेजर का जॉब है, कंपनी नेम यहाँ पे दिया गया है होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड कंपनी होगा, नीचे की तरफ ग्रेटर नोएडा लोकेशन है, वैकेंसी नंबर 1 है, कोड यहाँ पे है, एम्प्लॉयमेंट टाइप यहाँ पे बताया गया है, पोस्ट डेट यहाँ पे मेंशन है, और नीचे की तरफ है जॉब का टाइटल, एजुकेशन का डिटेल, बीटेक एमबीए वगैरह, एक्सपीरियंस का डिटेल यहाँ पे है, जॉब का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, स्किल्स में क्या क्या रिक्वायर्ड है ये भी बताया गया है, इंडस्ट्री टाइप क्या होगा ये भी बताया गया, तो सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन है। अगर आपको इस पोस्ट पे अप्लाई करना है, इस पोस्ट का डिटेल निकालना है, इस पोस्ट पे आवेदन करना है, तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई विथ लिंक्डइन, अप्लाई मैनुअली, ठीक है। तो अगर आपके पास लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो आप उसके थ्रू डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको मैनुअली अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे अप्लाई मैनुअली पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों के सामने ऐसा अप्लाई का फॉर्म आ जाएगा। अब ये जो अप्लाई फॉर्म है कैसे भरना है, कैसे यहाँ पे आपको सबमिट करना है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम यहाँ पर यह है कि आपको यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि रिज्यूम से ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे डिटेल्स वेरीफाई किया जाता है। तो यहाँ पे आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है, चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे अपना रिज्यूमे ऐसा अपलोड कर देना है। रिज्यूमे अपलोड करने के बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल आ जाता है, जिसमें आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेमो के लिए मैं कुछ भी एंटर कर देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो यहाँ पे अप्लाई करने में। यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया डेमो और लास्ट नेम यहाँ पे कुमार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आता है मोबाइल नंबर, तो जो फोन नंबर मोबाइल नंबर है वो भी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है ऐसा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जीमेल एड्रेस, तो जो आपका जीमेल ईमेल एड्रेस है वो भी आप लोगों को यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो अप्लाई करने में और आपको अपडेट वगैरह भी मिल पाए, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे अपना जीमेल एड्रेस और यहाँ पे अपना रिज्यूमे अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखो अप्लाई फॉर जॉब का एक बटन मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई फॉर जॉब पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, आप लोगों का यहाँ पे आवेदन हो जाएगा होंडा कंपनी में बिल्कुल फ्री में, बिना किसी चार्ज के। सो इसी प्रकार से आपको अप्लाई करना है दोस्तों होंडा कंपनी में, कैसे अप्लाई करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बाकी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। एंड अगर आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे आना है, तो आप लोग यहां पे आ सकते हैं, डोमेन नेम आप देख सकते हैं www.hondacarindia.com इनकी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। बाकी नीचे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से भी आप लोग आ सकते हैं इस वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद सिंपल सा काम है, यहाँ पे सिंपल सा काम है, आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे मिल जाएगा आपको मल्टीपल्स लिंक वगैरह, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो आपको यहाँ पे कंपनी वाले लेवल में आना है, लास्ट में यहाँ पे मिलेगा कैरियर का लिंक, इस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे कैरियर के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग इसी पेज पे आ जाएंगे जिस पेज का लिंक हमने अपनी वेबसाइट पे दिया है। अब इस पेज पे आने के बाद क्या करना है ऑलरेडी पता है, जिस पोस्ट पे अप्लाई करना है, जिस पोस्ट का आपको डिटेल व्यू करना है उस पर आप क्लिक करो, क्लिक करोगे तो जॉब का प्रोफाइल आएगा जो आप अच्छे से रीड कर सकते हो, और अगर आप एलिजिबल हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा एक जरूरी जानकारी दे दूँ, देखो यार अगर आपको कभी भी कोई कॉल या फिर मेल आता है और वहाँ पर ये बोला जाता है हम इस कंपनी से, इस ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहे हैं इतना पेमेंट सेंड करिए, ये OTP बताइए, डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, डायरेक्ट भर्ती होगा, तो आपको इन सब झांसों में आके किसी को कोई भी पैसा नहीं देना है, ना तो कोई OTP का लेन देन करना है, यहाँ पे फ्री में आपको जॉब मिलेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलेंगे किसी ने जॉब अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।